अध्याय 16 प्रत्यय सफिक्स पढ़िए और समझिए, नीचे बने चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रमेश अच्छा धावक है, नेहा की लिखावट सुंदर है, गली में फल वाला आया है। बच्चों आपने देखा कि धावक शब्द धाव जमा अक से लिखावट शब्द लिखव जमा आवट से और फल वाला शब्द फल जमा वाला से जुड़कर बना है। मूल धातु धाव जमा लिख तथा फल के बाद जो शब्दांश बाद में जुड़े हैं अक आवट वाला ये ही प्रत्यय कहे जाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। का कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे खेल क्रिया। जमा ओना प्रत्यय खिलौना। झूल क्रिया धातु जमा आ प्रत्यय झूला। कृत प्रत्यय के भेद। इसके 5 भेद होते हैं, 1 कृतवाचक कृत प्रत्यय, 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, 3 करणवाचक कृत प्रत्यय, 4 भाववाचक कृत प्रत्यय, 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। 1 कृतवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय मूल धातु प्रत्यय से निर्मित शब्द अक चल आव पठ गे चालक धावक पाठक गायक। अक्कड़ घूम बूझ भूल पी घुमड़कड़ भुजक्कड़ भुलक्कड़ पियक्कड़। आउ टिक खा पक चल टिकाऊ खाऊ पकाऊ चलाऊ। एरा बस लूट काम बसेरा लुटेरा कमेरा। हार पालना तारना रखना खेना पालनहार तारनहार रखनहार खेवनहार। एया वेया खे गा रख खिवैया गवैया रखैया। 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय मूल धातु प्रत्यय से निर्मित शब्द ना गा खा पाल पी गाना खाना पालना पीना। नी चल ओढ़ बढ़ चलनी ओढ़नी बढ़नी। आ झूल ठेल दान झूला ठेला दाना। ओना बिछा खेल घूम बिछौना खिलौना घुमौना। ऊ झाड़ फाड़ आड़ झाड़ू फाड़ू आड़ू। 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय मूल धातु प्रत्यय से निर्मित शब्द अन बैल झाड़ ढक साल बेलन झाड़न ढक्कन सालन। आनी मत पठान मथानी पठानी। आ ठेल झूल घूम ठेला झूला घूमा। ऊ झाड़ चाल झाड़ू चालू ओटी कस कसौटी। दृष्टव्य। कर्मवाचक और करणवाचक कृत्य प्रत्यय कभी कभी एक से दिखाई देते हैं किंतु उनका प्रायोगिक अंतर इस प्रकार समझिए। खिलौना यहाँ रख दो। कर्मवाचक बच्चा खिलौना से खेल रहा है। करणवाचक। 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय मूल धातु क्रिया प्रत्यय से निर्मित शब्द आवा छल बुला दिख भूल चढ़। छलावा बुलावा दिखावा भुलावा चढ़ावा। आई लड़ लिख चढ़ पढ़ लड़ाई लिखाई चढ़ाई पढ़ाई। अंत गढ़ भेड़ गणंत भिड़ंत। अन चल मिल गम चलन मिलन गमन। आन उड़ थक ढल उड़ान थकान ढलान। आवट लिख मिल दिख सज लिखावट मिलावट दिखावट सजावट। आपा पूज पूजापा आस पी भड़ प्यास भड़ास। आव कस बह फैल कसाव बहाव फैलाव। औती काट चुन कटौती चुनौती। ई हस बोल फस हसी बोली फसी। ना ले दे चल गल लेन देन चलन गलन। 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय मूल धातु क्रिया प्रत्यय से निर्मित शब्द कर गा सो खा पी गाकर सोकर खाकर पीकर। ता बोल हंस बह चल बोलता हंसता बहता चलता। या रो गा खा सो रोया गाया खाया सोया। आ लिख झूल पढ़ लिखा झूला पढ़ा। खा तद्धित प्रत्यय। क्रिया से अलग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर तद्धित प्रत्यय बनाए जाते हैं।
ये हैं एक भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, ता मधुर कटु मानव सरल लघु, मधुरता कटुता मानवता सरलता लघुता, पन बच्चा पागल बांच अपना, बचपन पागलपन बांचपन अपनापन, नी चांद बालक कूट, चांदनी बालकनी कूटनी, आपा बूढ़ा मोटा पूजा, बुढ़ापा मोटापा पुजापा, आस मीठा खट्टा मिठास खटास, आहट चिकना गरम कड़वा, चिकनाहट गर्माहट कड़वाहट, आई चतुर अच्छा बुरा पंडित, चतुराई अच्छाई बुराई पंडिताई, त्व देव पशु मनुष्य, देवत्व पशुत्व मनुष्यत्व, ई नरम गरम खुश, नरमी गर्मी खुशी। दो विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, इला गर्व चमक रस नशा, गर्वीला चमकीला रसीला नशीला, आलू झगड़ा कृपा दया श्रद्धा, झगड़ालु कृपालु दयालु श्रद्धालु, इत प्रकाश हर्ष पुष्प पल्लव, प्रकाशित हर्षित पुष्पित पल्लवित, ये राष्ट्रीय भारत देश विभाग, राष्ट्रीय भारतीय देशीय विभागीय, इन रंग कुल नमक ग्राम, रंगीन कुली नमकीन ग्रामीण, आ प्यार मैल प्यास भूख, प्यारा मैला प्यासा भूखा, एक धर्म दिन मास लोक, धार्मिक दैनिक मासिक लौकिक, वान वती धन बल, धनवान धनवती बलवान बलवती, मान मती श्री बुद्धि, श्रीमान श्रीमती बुद्धिमान बुद्धिमती, ऊ पेट बाजार कतवार, पेटू बाजारू कतवारू। तीन कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, वाला फल सब्जी चाय पान, फल वाला सब्जी वाला चाय वाला पान वाला, एरा सांप मामा चाचा, सपेरा ममेरा चचेरा, वान गाड़ी कोच पहल धन, गाड़ीवान कोचवान पहलवान धनवान, आर सोना लोहा सोनार लोहार, कार नाटक कहानी चित्र कथा, नाटककार कहानीकार चित्रकार कथाकार, इया रसोई दुख मुख, रसोईया दुखिया मुखिया, हारा चूड़ी पानी लकड़ी, चूड़ी हारा पनिहारा लक्कड़हारा। एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग, मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय नवनिर्मित शब्द, महत जमा त्व जमा पूर्ण महत्वपूर्ण, कर्म जमा निष्ठा जमा आ कर्म निष्ठा, गुरु जमा त्व जमा पूर्ण गुरुत्वपूर्ण, प्रांत जमा इये जमा ता प्रांत्यता, बच्चा जमा पन जमा आ बचपना, भारत जमा इये जमा ता भारतीयता, विलास जमा इत जमा आ जमा पूर्ण विलासिता पूर्ण। उपसर्ग एवं प्रत्यय लगे शब्द, उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द, प्रा जमा देश जमा एक प्रादेशिक, अभी जमा मान जमा ई अभी मानी, अन जमा उदार जमा ता अनुदारता, सु जमा लभ जमा ता सुलभता, परी जमा पूर्ण जमा ता परिपूर्णता, बे जमा चे जमा ई बेचैनी, नी जमा लंब जमा इत निलंबित, नी जमा चिंत जमा ता निश्चिंतता, निर जमा दय जमा ता निर्दयता। आइए पुनरावृत्ति करें, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगकर जो शब्दांश नए शब्द बनाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करना सिखाएं, साथ ही साथ अभ्यास कराएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, का प्रत्यय से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए, मूल शब्द के बाद लगकर जो शब्दांश नया शब्द बनाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, खा प्रत्यय के भेद बताइए, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स, प्रश्न एक दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, का प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण देकर लिखकर बताइए, चौथा शब्दांश मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे खेल जमा ओना खिलौना। ख प्रत्यय के कितने भेद होते हैं किसी एक के बारे में बताइए, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय,
जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे झूल जमा आ झूला। गा कृत प्रत्यय का साधारण परिभाषित दीजिए। जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे झूल जमा आ झूला। घ तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया से अलग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर तद्धित प्रत्यय बनाए जाते हैं। प्रश्न दो, दिए गए प्रत्ययों से तीन तीन नए नए शब्द बनाइए। अकड़ घुमक्कड़ भुलक्कड़ पियक्कड़। अक चालक धावक गायक। हार पालनहार खेवनहार रखनहार। आ झूला ठेला मेला। ना गाना खाना पाना। आवा छलावा दिखावा बुलावा। प्रश्न तीन, शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ओढ़नी ओढ़ जमा नी। घटिया घट जमा इया। गवैया गा जमा इया। सुंदरता सुंदर जमा ता। बचपन बच जमा पन। अच्छाई अच्छ जमा आई। ससुराल ससुर जमा आल। मथानी मथ जमा आनी। लुटेरा लूट जमा एरा। टिकाऊ टिक जमा आओ। छलावा छल जमा आवा। चढ़ाई चढ़ जमा आई। बिछोना बिछ जमा ओना। मोटापा मोट जमा आपा। प्रश्न चार, दिए गए मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नए शब्द बनाइए। गुरु जमा त्व जमा पूर्ण गुरुत्व पूर्ण। विलास जमा इत जमा आ जमा पूर्ण विलासिता पूर्ण। सु जमा लभ जमा ता सुलभता। निर जमा दय जमा ता निर्दयता। अन जमा उदार जमा ता अनुदारता। बच जमा पन जमा आ बचपना। बे जमा चैन जमा ई बेचैनी। परि जमा पूर्ण जमा ता परिपूर्णता। नी जमा लंब जमा इत निलंबित। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। का नागरिकता नगार जमा इक जमा ता। नागर जमा इक जमा ता। नगर जमा इक जमा ता। नेगर जमा इक जमा ता। उत्तर, नागर जमा इक जमा ता। ख रंगीन रंग जमा इन रंग जमा इन रंग जमा इन रंगी जमा ना। उत्तर, रंग जमा इन। ग विभाग्य विभाग जमा किए। वी जमा भाग्य विभाग जमा इये। वी जमा भाग जमा इये। उत्तर, विभाग जमा इये। घ सजनता सत जमा जनता। सत जमा जन जमा ता। सत जमा जनता सत जमा जनता। उत्तर, सत जमा जन जमा ता। प्रश्न छह, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर कीजिए। क ससुरालियों ने तो हमारे घर का बसेरा बना लिया। ख आज हमारे घर शास्त्री जी आए हुए हैं। ग लॉकडाउन में लोगों का मोटापा बढ़ गया है। घ बच्चा खिलौने हाथ में लिए है। ड़ हमारे मोहल्ले में सपेरा आया है। सोचे विचारे क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न सात, असामाजिक स्वावलंबी स्वल्पता उक्त शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय की संख्या बताकर सोच समझकर परिभाषित कीजिए। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न आठ, दी गई वर्ग पहेली में से प्रत्ययुक्त शब्द छांटकर लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य, शब्दों के शुरू में उपसर्गों को जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण होता है तथा इससे भाषा का विकास होता है। इसी प्रकार हमें भी नई नई चीजों को जोड़ने से एक अच्छे जीवन का निर्माण होता है।